एक खड़ी ऑडी Q3, ऑडी Q7, ऑडी Q5, BMW X5, तो ये बेसिकली दो कामों के लिए आई है। बी लाइक सैमी, डैनियल ऑलिवर, श्लोक अग्रवाल। तो आज मैं जितना एक्साइटेड हूँ अपनी फर्स्ट व्लॉग के लिए, उतना ही मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और पिस्ड भी हूँ। हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग, दिस इज नकुल, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो जी हाँ, ये है मेरी फर्स्ट व्लॉग। तो कल रात को मैंने यूट्यूब पे एक पोल डाला था कि व्लॉगिंग स्टार्ट करी जाए या नहीं। तो उसमें अराउंड 80% जो वोट आए वो हैं येस के, कि स्टार्ट करी जाए। सो हियर इट इज़। तो गाइस, मुझे व्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ जैसे भी बने झेल लेना। ऑब्वियसली विद टाइम एवरीवन कैन इम्प्रूव, एंड ये मेरी फर्स्ट व्लॉग है, लेट्स सी कैसी बनती है। बाकी आगे कोशिश तो यही रहेगी कि अच्छी से अच्छी व्लॉग्स बने। तो आज मैं जितना एक्साइटेड हूँ अपनी फर्स्ट व्लॉग के लिए, उतना ही मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और पिस्ड भी हूँ। उसका रीज़न ये है, कल रात को जब मैं अपने फ़ोन से डेटा लैपटॉप में डाल रहा था वीडियो जो मैं शूट करता हूँ, तो जब मैंने कुछ वीडियोस चला के देखी तो पता लगा कि उसमें साउंड ही नहीं है। और बेसिकली जो मेरा माइक है ये वाला, ये दूसरा एक्चुअली, ये पुराना माइक है जो मैं यूज़ करता था, वो ख़राब हो चुका है। तो कुछ वीडियोज़ में साउंड ही नहीं थी बिल्कुल। तो गैरेज में इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो शूट भी करो और वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो बस माइक फटाफट प्लग इन किया, शूट करी और फ़ोन वापस जेब में डाला। तो मैं हर 3-4 दिन में जो डेटा है वो वापस लैपटॉप में डालता हूँ जब फ़ोन फुल होने वाला होता है। तो कल वही हुआ, जब मैं डेटा लैपटॉप में डाल रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कई वीडियोज़ में साउंड ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, हेल्पलेस फील हुआ, बिकॉज अगेन वो मोमेंट्स वापस नहीं आ सकते। और जो मैंने रिकॉर्ड करी हैं क्लिप्स, उसके बिना जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो भी अधूरी सी रहेगी। मतलब जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो पार्ट बीच में मिसिंग सा रहेगा। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, और ये चीज़ आपसे शेयर भी करनी थी, तभी मैंने वो पोस्ट डाला कि व्लॉगिंग स्टार्ट करी जाए कि नहीं। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुझे शेयर करनी होती हैं। अब आप मेरे को इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करते नहीं हो, मैं कहाँ शेयर करूँ आपसे, ये बताओ। तो एक रिक्वेस्ट और है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, आईडी डिस्क्रिप्शन में है, बोल के भी बता देता हूँ, NKL खन्ना, ओके। तो वहाँ पे जब अपनी थोड़े फैमिली, यूट्यूब फैमिली थोड़ी वहाँ पे भी आनी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे भी रेगुलर पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे जो मुझे इंटरेक्शन करनी होती है। तो ये सड़क बहुत ख़राब है तो आवाज़ बहुत आएगी, सॉरी अबाउट दैट। तो मैं अपने पॉइंट से भटक गया, हाँ मेरा माइक ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई कि जो वीडियो शूट कर ली है उसमें ऑडियो वापस कैसे लाऊं, वो मोमेंट्स कैसे वापस लाऊं, या उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं। तो कुछ चीज़ें तो मैनेज हो जाएंगी लेकिन कुछ नहीं हो पाएंगी। तो आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में, रीबिल्डिंग या रिपेयरिंग वीडियोज़ में, अगर कुछ लगे कि बीच में से कुछ मिसिंग है तो यही सोच लेना कि वो एक क्लिप थी वहाँ पे, इमेजिनरी क्लिप बना लेना मेरे आंगन की वो थी और उसकी ऑडियो गायब हो गई थी, इसलिए वो मुझे हटानी पड़ी। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ गैरेज, अराउंड 10:45 बज रहे हैं सुबह के, आज लेट हो चुका हूँ, वैसे 10 बजे तक गैरेज पहुँच जाता हूँ मैं, आज लेट हो चुका हूँ। तो गैरेज जा रहा हूँ, गैरेज जाके वापस अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। और ये देखो सड़क के बीच में ये ऐसी क्रेन्स वगैरह चलती हैं, तो पूरा ट्रैफिक जो है ना वो जाम हो जाता है। इसने क्या उठा रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो ये पिलर है, ये देखो। सो हियर इट इज गाइस, मैं पहुंच चुका हूं गैरेज। तो यहाँ अंदर घुसते ही ना मुझे स्पीड देने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज यहाँ पे ना साउंड पूरी एको करती है और एग्जॉस्ट की आवाज ना बहुत बढ़िया आती है। सुनाऊँ आपको, ट्राई करते हैं, पता नहीं माइक में आएगी नहीं आएगी। सो आई होप आवाज आई होगी आपको। और ये खड़े भरत भैया, हे स्माइल देखो। चलो गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। मेरी गाड़ी में ना एक और प्रॉब्लम हो रही है, ये शीशा जो है, ये देखो, ये यहाँ से मैं नीचे करूँगा, ये नीचे तो चले जाता है एक बार में, लेकिन ये देखो, ये हाँ ये कभी ऊपर जाता है, ये देखो मैंने पूरा खींच रखा है, ये कभी जाता है कभी नहीं जाता। चल जा ये गया। तो
तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ परफेक्ट रहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अराउंड 7-8 महीने से आ रही है। बट मैं कह रहा हूँ चल रहा है तो चलने दो, बिकॉज अगर मैं पूरा कंट्रोल बदलवाऊँगा, जो मेन कंट्रोल होता है 4 बटन वाला, तो अराउंड 2000 के आसपास आएगा, वो भी लोकल, मतलब यू नो इम्पोर्टेड वाला। अगर होंडा का जनरल लगवाएंगे तो ये अराउंड यू नो 3,500-4,000 के आसपास होगा। तो मैं कह रहा हूँ चल रहा है चलने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस वाले बटन से ऊपर कर लूँगा, वहाँ से चढ़ जाता है शीशा ऊपर, इस वाले से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ परफेक्ट रहती हैं, ऐसा चलता रहता है। तो अब बाहर चलते हैं और बाहर जाके व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। बट हाँ, गर्मी में एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ, गाड़ी खड़ी करते ही ये शटर लगा देता हूँ, ताकि गाड़ी जो है ज़्यादा गर्म ना हो। तो यहाँ पे लगे हैं भरत भैया वैगन आर में। तो ये वो रीबिल्डिंग वाली वैगन आर नहीं है, वो खड़ी है वहाँ, तो उसके पैनल वैनल लग चुके हैं, एक स्नीक पीक देख लो, बाकी तो पूरी सीरीज़ में ही देखना। ये दूसरी वैगन आर है जिसमें भरत भैया लगे हैं, और इनका निक नेम है पप्पू। तो अगर कमेंट में लिखना हो ना तो पप्पू करके लिखना, ठीक है भरत भैया? और आज तो कटिंग वटिंग करवा के आए हैं लग रहा है। वैसे बाल मैंने भी काटे थे अपने घर में ही, तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए ये देखो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो इधर से क्या हुआ है। तो कटिंग करते करते ना यहाँ पे ट्रिमर बंद हो गया था, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा ही उड़ गए थे, तो फिर मेरे को पूरा ही यहाँ से कट मारना पड़ा थोड़ा सा उसको सही करने के लिए, थोड़ा सही दिखाने के लिए, वरना बहुत ही बुरा लगता। तो कुछ काटते काटते कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए, चमगादड़ सा लग रहा हूँ मैं। तो एनीवेज, मैं जैसे आपको गाड़ी में बता रहा था कि माइक ख़राब हो गया था, और अब कुछ क्लिप्स जो हैं वैगनार रीबिल्ड में और मर्सिडीज़ जो रीपेंट हुई है, जो पुरानी मर्सिडीज़ हमने करी उसकी क्लिप्स में, तो कहीं कहीं कुछ कुछ क्लिप्स मुझे काटनी पड़ेंगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना। और कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जो मैं दोबारा शूट कर सकता हूँ, वो मैं अभी करूँगा। तो आज कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक डे रहने वाला है, तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं आया हूँ विजेंद्र भैया के साथ गाड़ी की टेस्टिंग पे। तो ये देखो, इसका पूरा स्पीडोमीटर खुला पड़ा है, तो इसका बेसिकली स्पीडोमीटर ख़राब था, ये बैटरी पी रहा था, मतलब गाड़ी ऑफ है तब भी बैटरी डाउन हो जाती थी। तो हमने सब कुछ चेक कर दिया, इसका स्टीरियो वगैरह सब। जो अब प्रॉब्लम निकली वो थी इसके स्पीडोमीटर की, तो ये पड़ा है इसका पुराना स्पीडोमीटर, तो ये ख़राब था, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हम गाड़ी चेक कर रहे हैं, बिकॉज इसका एसी वगैरह भी चेक करना है और भी कई चीज़ें चेक करनी है, तो गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं। अब जा रहे हैं वापस गैरेज। तो आज हमारे पास गैरेज में ऑडीज ही ऑडीज आ रखी हैं। एक तो देखो मेरे पीछे खड़ी है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये खड़ी ऑडी Q3, ऑडी Q7, ऑडी Q5, ऑडी A6, ये पुराने वाला वेरियंट है। उसके आगे एक और ऑडी Q3 है। तो 5 ऑडीज आई हुई हैं, और उसके आगे एक मर्सिडीज़ ई क्लास खड़ी है, एक मर्सिडीज़ सी क्लास ये रही, और उसके पीछे खड़ी है मर्सिडीज़ E200 पुरानी वाली। तो जो ये दो मर्सिडीज़ हैं ये सेम कस्टमर की हैं। तो 5 ऑडीज़ और 3 मर्सिडीज़ आई हुई हैं, प्लस जो नॉर्मल कार हैं जैसे पोलो खड़ी है, ये लोगन खड़ी है, वैगन आर जिसकी रीबिल्डिंग चल रही है, एक और वैगन आर, एक SX4, प्लस उधर वो जो बोनट दिख रहा है आपको वो क्रूज़ है, उसके आगे और भी गाड़ियाँ हैं। गाइस, वीडियोस बनाने को तो मैं बहुत सी गाड़ियों की बना सकता हूँ, बिकॉज यहाँ तो कोई ना कोई गाड़ी आई रहती है और काम चलता ही रहता है, लेकिन वही बात है, मैं अकेला किस किस की वीडियो बनाऊँ, कितने कैमरा लूँ, कितने ट्राईपॉड लूँ, कहाँ कहाँ लगाऊँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ट्राईपॉड ला के छोड़ दिया, बार बार कभी कहीं काम होता है, कभी कहीं गाड़ी में, तो उसका एंगल चेंज करना, कभी कोई आगे आगे खड़ा हो गया, कभी किसी ने ट्राईपॉड को हल्की टक्कर मार दी तो पूरा कैमरा एंगल बिगड़ गया। तो सामने हमेशा खड़े रहना पड़ता है देखने के लिए कि वीडियो सही आ रही है कि नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे पूरा शेड है स्टील का, तो जब धूप पड़ती है ना ये सारा तंदूर की तरह पकता है अंदर से। अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं, ये देख रही है सारी स्वेटिंग है, और मैं इस टाइम पूरा अंदर से गीला हुआ हूँ, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे आके वीडियो बनाना, फिर घर जाके उन्हें एडिट भी करना। तो तभी मैंने सोचा कि व्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल आपको वीडियोज़ पूरी एक सीरीज़ बना के नहीं दिखा सकता हर गाड़ी की, तो व्लॉगिंग में छोटा छोटा ग्लिम्स तो दे ही सकता हूँ कि कौन सी गाड़ी आई हुई है, क्या काम चल रहा है, तो वो बेटर रहेगा। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपसे गर्मी की कंप्लेंट कर रहा था, तो अभी टाइम हो रहा है ये देखो 1:45, और मौसम देखो अब एकदम से चेंज हो गया, ये देखो वाइड एंगल में।
तो मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया, नो डाउट, बस बारिश भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, बस मुझे डर यह है कि हवा बादल उड़ा के ना ले जाए, बिकॉज आई रियली वांट कि बारिश हो जाए, बहुत गर्मी हो रही थी। सो गाइस, अब शाम के हो रहे हैं अराउंड 4:30 और बारिश तो आई नहीं। ये देखो, दोपहर से हो गई शाम, बारिश तो आई नहीं, लेकिन हाँ एक BMW X5 ज़रूर आ गई है, तो यही दिखा देते हैं आपको। तो हियर इट इज़ गाइस, BMW X5। तो ये बेसिकली दो कामों के लिए आई है, एक तो आपको यहाँ डेंट दिख रहा होगा हल्का सा, ये रहा, तो ये ठीक करना है, यहाँ से पेंट होगी, प्लस इसका जो उधर वाला पीछे वाला पहिया है वहाँ से गाड़ी नीचे बैठ जाती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें एयर सस्पेंशन होता है गाड़ी की राइड हाइट एडजस्ट करने के लिए और गाड़ी लिफ्ट करने के लिए, तो उधर का जो पीछे वाला शॉकर है वो कहीं ना कहीं से लीक है, तो वहाँ से गाड़ी पूरी नीचे बैठ जाती है थोड़ी देर बाद। तो अभी हमने पूरी लिफ्ट करके खड़ी करी है, देखेंगे इसको कि ये कितनी देर में यहाँ से नीचे बैठेगी। वैसे गाड़ी बहुत बढ़िया है, इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो है कि इसके डोर हैंडल से ना लाइट जलती है जैसे आप खोलो, तो ये वाइड एंगल में शिफ्ट कर दिया, ये देखो ये जो लाइट जलती है ना, ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको अंदर से बैठ के भी दिखाता हूँ, ये लो। सो गाइस, इसके जो डायल्स हैं ये पूरी स्क्रीन है, ये एनालॉग नहीं है, इसमें सुइयां नहीं है, ये पूरा एक डिस्प्ले है। तो एक बार बैटरी भी ऑन कर लेते हैं, ये हो गई स्क्रीन ऑन, और ये देखो अब डायल्स का कलर चेंज हो गया। तो अगर मैं बैटरी ऑफ़ करूँगा तो ये कलर चेंज हो जाता है, और ये ऑन करते ही ये कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा दिखता है कुछ इंटीरियर इसका, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसमें लाइटनिंग बहुत बढ़िया है, ऊपर ये है, बाहर डोर हैंडल्स में जलती है, प्लस यहाँ फुटवेल में भी लाइटनिंग है। और अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो पीछे से भी काफ़ी सही लाइटनिंग है। ये देखो, एक तो ये दरवाज़ों के यहाँ नीचे पूरी लाइट जलती है, प्लस यहाँ पे फुटवेल में भी लाइट्स हैं, वो फुटवेल की लाइट प्लस दरवाजे की लाइट, पीछे पूरा क्लाइमेट कंट्रोल है, ऊपर दोनों तरफ लाइट जलती है, तो काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। सो गाइस, जैसे ये X5 आई है, ऐसे कई गाड़ियाँ आती हैं छोटे मोटे कामों के लिए, तो मैं हर एक की वीडियो तो बता नहीं सकता। अब जैसे यही गाड़ी है X5, इसमें एक वो छोटा सा डेंट है जो कि निकाल के पेंट करना है, और इसका पीछे का शॉकर मैक्सिमम चेंज होगा, तो अब इसमें मैं वीडियो बना के क्या दिखाऊँ, तो इसलिए मैं सोचा व्लॉगिंग में यही चीज़ें दिखाऊँगा आपको। ओके बिबल, तो इस टाइम बज रहे हैं शाम के 6:30, अब टाइम है घर जाने का। वैसे आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ बिकॉज भैया ने मुझे कुछ काम बोला है, तो बाजार से वो करते हुए फिर घर पहुँचूँगा। तो गाड़ी करते हैं स्टार्ट, और आपको एक बार फिर से साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो आई डोंट नो आपको साउंड आई होगी कि नहीं। एनीवेज, अब मैं सीधा पहुंचता हूं घर, ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बिकॉज घर जाके मुझे इसे एडिट भी करना है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आज मैं ये व्लॉग डाल दूं, आज ही के दिन शूट किया है और आज ही डाल दूं। सो लेट्स सी, मैं आपको मिलता हूं, वैसे अगली वीडियो में मिलूंगा, ये व्लॉग तो मैं एंड कर रहा हूं। सो गाइस, अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा और अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट से मुझे ज़रूर बताना कि मेरा फर्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा। बाकी कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्टर्स हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और पॉजिटिव कमेंट करते हैं, विच कीप्स मी मोटिवेटेड, कीप्स मी गोइंग। तो उनमें से कुछ के मैं नाम ले लेता हूँ, एक हैं बी लाइक सैमी, एंड एक हैं डैनियल ओलिवर, एक हैं श्लोक अग्रवाल, और एक और हैं आई थिंक कुणाल कपूर है उनका नाम। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू उनको भी जो कमेंट नहीं करते लेकिन हु वॉच माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग मी, आगे भी बस ऐसी सपोर्ट करते रहना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।